540 मिलियन कैमरे से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन की जनता को बंधक बनाए रखा है, यानी हर 3 चीनी नागरिकों पर एक से ज्यादा कैमरे की नजर रखी जा रही है। एक दशक पहले चीन की सत्ता संभालने वाले जिनपिंग देश के अंदर ही सबसे बड़ी जंग लड़ रहे हैं। आलम यह है कि चीनी सैनिक और पुलिस जबरन ट्रेन बसों में चढ़कर लोगों के फोन और लैपटॉप चेक कर रहे हैं ताकि चीन के अंदर फैली अशांति की तस्वीरें बाहर न जा पाए। 540 मिलियन कैमरों की मदद से प्रदर्शनकारियों को पहचाना जा रहा है और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जा रही है ताकि चीन में फैले विद्रोह की आवाज को दबाया जा सके। अपग्रेड सॉफ्टवेयर की मदद से चीनी नागरिकों की हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। शी जिनपिंग का डरना वाजिब है क्योंकि चीनी वायरस ने दुनिया में तो तबाही मचाई ही, उसके अपने लोग भी रोजाना मर रहे हैं। साथ ही चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की शक्ति ने चीनी नागरिकों की कमर तोड़ दी है, जिसकी वजह से चीन में विद्रोह का बिगुल बज चुका है और दुनिया भर में चीनी आवाम को लोगों का समर्थन मिल रहा है। वहीं चीन में फैली अराजकता को 1989 के तियान मेन स्क्वायर विद्रोह के बाद सबसे बड़ा विद्रोह माना जा रहा है। लाल बादशाह का सीधा आदेश है कि हुक्म की तामील हो, जो आदेश नहीं मानेगा उसे कुचल दिया जाएगा। तस्वीरें चीन में भड़के विद्रोह की हैं, जहां प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो रही है। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस डंडे बरसा रही है। इसी दौरान उनकी नजर एक महिला जर्नलिस्ट पर पड़ती है। फिर क्या था, चीन की पुलिस ने उस महिला पत्रकार पर अंधाधुंध डंडे बरसाने शुरू कर दिए ताकि उनकी क्रूरता की तस्वीरें दुनिया के सामने ना आ सके। ऐसे में जो भी तस्वीरें सोशल मीडिया या पत्रकारों के जरिए दुनिया के सामने आ रही हैं, चीनी लोग अपनी अपनी व्यथा को लोगों तक पहुंचाने के लिए जान पर खेलकर वीडियो आगे बढ़ा रहे हैं। चीनी सरकार के हाथ पांव फूले हुए हैं। जिनपिंग सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इस विद्रोह को दबाया जाए। ऐसे में बगावत की आवाज को दबाने के लिए गली गली, सोसाइटी सोसाइटी, शहर शहर बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां हो रही हैं। चीनी नागरिकों को जबरन गाड़ियों में भरकर ले जाया जा रहा है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बारिश हो रही है, लोग छाता लेकर खड़े हैं और इस बीच चीनी पुलिस स्थानीय लोगों को जबरन गिरफ्तार कर रही है। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। कोरोना वायरस की वजह से शी जिनपिंग के सिर पर दोहरी मुसीबत आकर खड़ी हुई है। चीन में कोरोना फिर कहर मचा रहा है। हजारों नए केस रोजाना सामने आ रहे हैं और अब 2 लोगों की मौत की पुष्टि भी हुई है। हालांकि चीनी आंकड़ों पर दुनिया को विश्वास तो नहीं है, लेकिन जरा सोचिए, जब चीन खुद ये मान रहा है कि उसके लोग कोरोना से मर रहे हैं, तो वहां हालात कैसे होंगे। आंकड़ों के मुताबिक चीन में 10 में से 9 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जबकि 40% लोग बूस्टर डोज भी ले चुके हैं। लेकिन चीनी वैक्सीन चीन के माल की तरह ही डुप्लीकेट साबित हो रही है। वही लोगों के गुस्से की वजह है, चीनी सरकार बेचैन नजर आ रही है। अगर सख्ती लगती है तो लोग सड़क पर मरने और मारने को तैयार हैं। वहीं अगर कोविड जीरो पॉलिसी में ढील देती है तो कोरोना के केस और मौत के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें चीन के वुहान शहर की हैं, जहां वुहान विश्वविद्यालय में छात्रों को जीरो कोविड पॉलिसी के तहत छात्रों को बंधक बनाया गया है। लेकिन अब छात्रों के सब्र का बांध टूट चुका है और अब वो अब घर लौटना चाहते हैं और प्रशासन से घर लौटने की इजाजत मांग रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान एक छात्र तेजी से चिल्लाता है, हमें सही जानकारी दे, खुली प्रक्रिया रखे ताकि हमें हालात का पता चल सके। चीन ने शायद ये कभी सोचा नहीं होगा कि उसे स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के विद्रोह का सामना करना पड़ेगा। चीन की साजिश, धोखाधड़ी, तानाशाही, क्रूरता, विस्तारवादी नीति से पूरी दुनिया में उबाल है। फिर इस उबाल से चीन का कट्टर दुश्मन ताइवान कैसे बच सकता है। ताइवान की राजधानी में चीन की तानाशाही और क्रूरता के खिलाफ प्रदर्शनकारी एकजुट हुए। इस दौरान 5 साल तक चीनी सरकार की यातनाएं झेलने वाले ताइवान मानवाधिकार कार्यकर्ता ली मिंग चेन ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व किया। हम 用一个人的基本价值就可以声援他们。
我们是希望透过这种声援，让更多台湾人认识中国政府的本质。इस दौरान मिंग चे ने 1989 में तियान मेन स्क्वायर विरोध प्रदर्शन के बड़े नेता वांग डैन का एक संदेश भी पढ़ा। तस्वीरें तुर्की के इस्तांबुल शहर की हैं, जहां चीन के खिलाफ सैकड़ों उइगर मुस्लिमों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया। हाथ में पोस्टर लिए महिलाओं ने भी प्रदर्शन किया, जिस पर लिखा था कि उरुमकी की आग में 44 उइगर मुस्लिम मारे गए। इस प्रदर्शन गृह युद्ध से जूझ रहा चीन अपनी शैतानी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अमेरिकी इंटेलिजेंस का दावा है कि चीन रूस की मदद कर रहा है। इंटरनेशनल मंच से लेकर अंदरूनी तौर पर चीन रूस की मदद कर रहा है, और इस बात की जानकारी अमेरिकी खुफिया विभाग ने सार्वजनिक की है। हालांकि चीन की तानाशाही के खिलाफ अमेरिका में भी प्रदर्शन हुए। जिनपिंग सरकार की जीरो कोविड पॉलिसी के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने वॉशिंगटन में मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। पश्चिमी झिंगयांग में हुए अग्निकांड ने पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया है। सिर्फ चीन में ही नहीं, पूरी दुनिया में ही चीन की तानाशाही को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। तुर्की, लंदन, इंडिया समेत अन्य देशों में चीनी नागरिक और चीन के विरोधी जिनपिंग सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। चीनी सरकार की तानाशाही के खिलाफ लंदन बगावत का केंद्र बन चुका है। यहां चीनी दूतावास के बाहर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बार करीब 50 लोग चीनी दूतावास के बाहर इकट्ठा हुए और शी जिनपिंग के खिलाफ मोर्चा खोला। क्या भारत के बढ़ते कद से बौखला गया है चीन? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि भारत की सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि दिल्ली एम्स पर हुए साइबर अटैक के पीछे चीन का हाथ हो सकता है। रिजाइन करो, रिजाइन करो, जिंदाबाद, रिजाइन करो, जिंदाबाद, अत्याचार बंद करो, बंद करो, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तस्वीरें नई दिल्ली की हैं, जहां करीब 150 तिब्बती शरणार्थियों ने चीनी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और जीरो कोविड पॉलिसी का विरोध किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने हाथ में कोरा कागज पकड़कर विरोध प्रदर्शन भी किया। शंघाई एक ऐसा शहर जिसे चीन की जान कहा जाता है, लेकिन इस शहर में एक दर्जन से भी कम लोगों की भीड़ से शुरू हुआ विद्रोह पूरे शहर में फैल गया, जिसकी तस्वीर फिर सामने आई है। चीन में एक बार फिर कोरोना ने तबाही मचा रखी है। आलम यह है कि चीन में प्रशासन ने क्वारंटीन सेंटर के लिए एक अलग ही शहर बसा दिया है। वहीं चीन में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कई इलाकों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। बावजूद इसके लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए लाइन में खड़े हैं, क्योंकि जितना डर उन्हें कोरोना वायरस का है, उतना ही डर उन्हें जिनपिंग की जुल्मी सेना का सता रहा है। पीपीई किट पहने दो लोग सुपर पर बैठे एक आदमी को जबरन खींच रहे हैं, लेकिन वो शख्स इसका विरोध कर रहा है। बावजूद इसके ये किसी के भी सुनने को तैयार नहीं है और उसे जबरन घर से उठाकर ले जा रहे हैं। ऊंची ऊंची लपटे और आसमान को चूमता धुएं का गुबार, ये सबसे ताजा तस्वीरें हैं चीन में विद्रोह की। जिनपिंग की कोरोना को रोकने की पॉलिसी से नाखुश चीनी लोगों ने क्वारंटीन कैंप को ही आग के हवाले कर दिया। चीन में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी किस कदर तानाशाही पर उतर आई है, उन्होंने लोगों के QR पासपोर्ट को येलो और रेड कलर में बदल दिया है, जिसकी वजह से वे ग्वांगशू नहीं छोड़ पा रहे हैं और अपने घर वापस लौटने में असमर्थ हैं। उरुमकी में आग के बाद चीन की सरकार सवालों के कटघरे में है। जिनपिंग सरकार पर आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर उइगर मुस्लिमों को मरने दिया, क्योंकि उरुमकी की जिस इमारत में आग लगी थी वो बिल्डिंग अस्पताल और फायर ब्रिगेड से घिरी थी, फिर भी उन्हें बचाने में इतनी देरी क्यों लगा दी? असद लगता है हुकूमत ना बस
біздің басқа басшылардың жолдамалардың айты нәпәтінеттім. गौरतलब है कि उरुमकी में कई लोग करीब 3 महीने से अधिक समय से अपने घरों में बुरी तरह फंसे हुए हैं। तस्वीरें भले ही जापान के टोक्यो की हों, लेकिन मोर्चा है चीन की तानाशाही के खिलाफ। टोक्यो की सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए, जिनमें ज्यादातर चीनी समुदाय के लोग थे। हाथ में शी जिनपिंग के विरोध वाले बड़े बड़े पोस्टर, जिन पर अंग्रेजी, चीनी और जापानी भाषा में लिखा है, हमें आजादी चाहिए। इस विरोध प्रदर्शन में बहुत से चीनी नागरिकों ने मास्क और चश्मा भी लगा रखा था, ताकि उन्हें चीनी अधिकारी पहचान न लें, क्योंकि जग जाहिर है चीन में लोकतंत्र के लिए कोई जगह नहीं है।